यदि आज हम लोग नहीं लड़ते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग खत्म हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसा कैसे, चले जाइए इधर है आपका ईचा डैम, कहीं है आपका डिमना डैम और कहीं है चांडिल डैम। सुने हैं कि नहीं, गए भी होंगे घूमने के लिए, नौका चढ़े है ना, उतना बड़ा डैम। लेकिन क्या डैम, डैम से पहले वहां क्या था? हम लोग का बाप दादा जो हम लोग का पुरखा है वहां का, उन लोग वहां खेती करता था, उनका घर द्वार था, उनका परिवार था, वहां रहता था, बड़ा बड़ा गांव हुआ करता था। आज एक भी गांव नहीं है, बल्कि कई गो गांव हटाया गया है, 116 गांव। एक सिर्फ चांडिल डैम को बनाने में 116 गांव हटाया गया है। सोचिए, सोच के देखिए कि एक डैम बनने में 116 गांव हटाया गया है। तो अगर आज हम लोग नहीं लड़ते हैं, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, तो 216 गांव भी तो कहीं जा सकता है। चांडिल ईटागढ़ के बाद ऊंचाई का भी तो नंबर आ सकता है। यही राजनगर एगो ब्लॉक है, आप लोग सुने होंगे, परानी सुनल हवा, राजनगर ब्लॉक अभी का जिला का हिस्सा है। कोई ना कोई अपना रिश्ते नाते आपके कुटुंब होंगे वहां, वहां भी सुनने में आया है वो ईचा नाम का डैम बनने जा रहा है। ईचा डैम जब बनेगा वहां भी 126 को गांव डूब जाएगा। बताइए तो डैम क्यों बनता है? डैम इसीलिए बनता है कि डैम से बिजली बनता है, पानी जो इकट्ठा किया जाता है उससे बिजली बनता है, उसमें मछली पाला जाता है या फिर उस पर टंकी में मोटर नहर के माध्यम से जहां बंजर जमीन है खेती के लिए भेजा जाता है। क्या ये सब काम हो रहा है? खाली हल्का सा मछली उत्पादन हो रहा है, बल्कि ना उससे बिजली बन रहा है, ना वो पानी किसान के खेत तक जा रहा है, बल्कि कंपनी तक जा रहा है। तो भाई कंपनी का हम ठिका लेकर रखते हैं क्या? जमीन मेरा गया है, गांव मेरा उजरा है, उस पानी पर अधिकार मेरा होना चाहिए। सोच के देखिए कि कितना दुख का विषय है। चांडिल डैम का पानी जाता है उड़ीसा, यहाँ झारखंडी लोग प्यासे हैं, इनका घर डूब जाता है और पानी जाता है उड़ीसा। बताइए कितना गलत है। इसीलिए लड़ना जरूरी है। आज वहां संकट आया है, आने वाला दिन यहाँ भी संकट आ सकता है। उड़ीसा पानी जाता है, चांडिल डैम का पानी उड़ीसा जाता है। कहे भाई जमीन मेरा बर्बाद हुआ है, गांव मेरा डूबा है, उस पानी से कुछ भी मिले हमको मिलना चाहिए। आपको डैम घूमने गए हैं, डैम का बगल का गांव सब देखे हैं? डैम के साइड में कभी जाइएगा, नौका लेते उछल जाएगा साइड में, वहां जो गांव है उस गांव का कंडीशन देखे हैं? गांव हम गए थे, हम लोग भी जब आए तो चांडिल डैम के बीचे बीच हम लोग भी गए, और जब चांडिल डैम का बगल में जो गांव है वहां जाके देखे, गांव में जो घर है ना 3 फीट 4 फीट हाइट है, यानी मेरा जो हाइट है उससे भी कम घर सब है। यानी आप उस घर में झुक के घुसना होगा, और आप बैठ सकते हैं और सो सकते हैं, खड़ा नहीं रह सकते। तो हम लोग को खाना खिलाया हो तो हम पूछे कि दादा क्या बात है भाई, आप इतना छोटा छोटा घर बना है, क्या फायदा इस घर से? इतना छोटा छोटा घर है, यहाँ आप लोग को गुड़क के नीचे नीचे पार होना पड़ता है, और सिर्फ बैठना सकते हैं या सो सकते हैं, खड़ा नहीं रह सकते। तुम लोग क्या बोला पता है? बोला बाबू घर बना के क्या करेंगे? बताइए, कोई इंसान ऐसा भी बोल सकता है कि घर बना के क्या करेंगे? सबकी जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा और मकान है कि नहीं? कि भाई हमको किसी तरह रोटी चाहिए, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और एक मकान चाहिए। लेकिन वो कितना दुखी है, बोल रहे घर बना के क्या करेंगे। तो हम बोले आप ऐसा कहे बोल रहे? बोला प्रत्येक साल जब बारिश आता है घर डूब जाता है, फिर बारिश का पानी काम होता है, नया घर बनाते हैं। तो क्या करेंगे? तगला बना के, इसीलिए छोटा छोटा घर। सोचिए हम लोग के साथ कितना अन्याय हो रहा है, क्या बिगाड़े हम लोग किसी का भाई? जमीन मेरा, खेत मेरा, खलिहान मेरा, और आप यूपी बिहार को बेच रहे हैं, आप बड़ा बड़ा कंपनी को यहाँ स्थापित कर रहे हैं, हमको क्या दे रहे हैं? हमको बदले में क्या मिला? अरे भाई हमको अगर कुछ नुकसान हुआ तो फायदा भी हमको होना चाहिए ना, हमको अगर नुकसान है तो फायदा भी हमको होना चाहिए ना।
तो हमको नुकसान हुआ, मेरा 116 गांव डूब गया, यहाँ 126 गांव डूबेगा, डिमना में भी 30-40 गांव डूबा है, धनबाद बोकारो में तो अनगिनत डूबा है। तो भाई यदि मेरा नुकसान हुआ है तो फायदा ही हमको होना चाहिए। अभी वो समझाते हैं आपको, अभी आपका कान जो छिड़ा गया तो नुकसान हुआ कि नहीं, लेकिन फायदा भी सोना मिला। नुकसान हुआ कि कान को छिड़ दिया गया, यहाँ से खून निकला, लेकिन फायदा भी हुआ कि आपको बदले में सोना मिला, मिला ना। तो ठीक इसी प्रकार जब नुकसान मेरा हुआ, गांव मेरा डूबा, खेत मेरा डूबा, तो फायदा मेरा क्या हुआ भाई? और नहीं तो आप रखिए ऐसा सा डैम, हमको नहीं चाहिए, रखिए ऐसा सा बिजली अपने पास, क्या करेंगे उस डैम का, जहां हमको फायदा नहीं है। जब हम सरायकेला जिला पहली बार आए तो मेरा को खोफ रहता है, फोन किया हमको तो हम उसको बोले कि तुम किधर है, बोला हम कन्याकुमारी आए हैं। मेरा एक दोस्त है जो यही अपना सरायकेला जिला का है, बोला हम कन्याकुमारी आए हैं, तो हम बोले क्या कन्याकुमारी तुम कुमारी कन्या खोजने गया है क्या? बोला नहीं, चाकरी नौकरी करने आए हैं। हम बोले भाई सुनने में हमको आया है सरायकेला के लोग बोलते हैं कि पूरा एशिया में सबसे ज्यादा फैक्ट्री सरायकेला में है, छोटा मोटा इधर उधर मिलाएंगे तो 8,000-10,000 फैक्ट्री हो जाएगा, अरे रजिस्टर्ड फैक्ट्री तो 3,000 के आसपास था, तो छोटा मोटा सब मिला के यहाँ 10,000 फैक्ट्री हो जाएगा, और यहाँ का लड़का कन्याकुमारी में नौकरी करने गया है भाई। तो जब यहाँ का लड़का कन्याकुमारी में है तो यहाँ कौन है, यहाँ कौन है? तो बस यही लड़ाई है कि हम दरवाजा लगाइए, इसमें बाहर बाहर के लोगों को आना है, कागज दिखा कि चोर जैसा पीछे के दरवाजे से, अब यह सिस्टम नहीं चलेगा। आखिर हम लोग कितना सहेंगे आज, हम लोग आखिर कितना सहेंगे, हमने क्या नहीं सहा? आज टाटा जमशेदपुर के नाम से लोग पूरा दुनिया जानते हैं कि यहाँ जमशेदपुर में टाटा जमशेदपुर है, लेकिन जिन लोगों ने उसको बनाया है वे लोग कहाँ? कौन बनाया है टाटा जमशेदपुर को? साक्षी गांव, जमीन दिया तभी ना बना, जमीन का पॉकेट में भर के लाया था ना, डोका में भर के पानी लाया था, तो बनाया जिन लोगों ने आज टाटा जमशेदपुर को बनाया है वे लोग कहाँ? हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, हम लोग विकास से बिल्कुल भी विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं विकास हो, लेकिन पहला विकास किसका होगा? अरे भैया जिसका जमीन गया है, जिसका गांव का गांव बर्बाद हुआ है, लेकिन विकास के नाम पे हम लोग को बिना विकास के नाम पे हम लोग को विस्थापन मिला, विकास के नाम पे हम लोग को गांव से गांव भगाया गया, और लास्ट में झारखंड में नक्सली सब मिला, ये लोग नक्सली है। हाँ भाई, यदि हम अपना जमीन बचाने का बात करेंगे, हम अपना जंगल बचाने का बात करेंगे, हम अपना पहाड़ बचाने का बात करेंगे, तो हम नक्सली होंगे। और जो लोग पहाड़ को पहाड़ काट के बेच दिया गैर कानूनी से, उन लोग कंपनी का तो सिस्टम है कि जो लोग अपने हक के लिए लड़े, अधिकार के लिए लड़े, नक्सली नाम दे दिया। अरे भाई नक्सली बनाया कौन? यही सिस्टम ने बनाया है, यही सिस्टम ने बनाया है, इसलिए आज हमारी लड़ाई निर्णायक है। आज में नौकरी करता है बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से आके, और झारखंड का लड़का क्या क्या है? अभी कहा बोकारो जिला में, जैसे आपका यहाँ टाटा है, बोकारो में क्या है? BSL कोयला का खदान। सोचिए आज हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है, इसलिए आज लड़ाई लड़ना होगा। और हम तो बार बार कहो ये कि भाई अभी हम माई मौसी गिला के काकी जेठी गिला के आगे आए भाई, आप लोगों को आगे आना होगा, इसलिए आपको आगे आना होगा कि ये तो मानना होगा कि ये जो जमाना है इसमें महिलाओं का थोड़ा सा वैल्यू है। अभी तक गई तो बोलेगा मैडम वैसे चाय लीजिएगा, ट्राई करके देखिए, इसीलिए आपको आगे आना होगा। इस बार निर्मला नहीं, निर्मला दीदी को शहीद होना पड़ेगा, अब आप लोग को आगे आना होगा।
तैयार हैं आप लोग, रेडी हैं? आपको इसलिए आज लड़ना होगा ताकि ये जो छोटा छोटा बच्चा लोग देख रहे हैं इनका भविष्य सुरक्षा कर सके। अच्छा एक बात बताइए कि क्या आपका ड्यूटी इनको जन्म देने के बाद खत्म हो गया ड्यूटी कि बच्चा लोग इन लोग को जन्म दे दिए ड्यूटी खत्म? इनको पढ़ाना है अच्छा से, इनको काबिल बनाना है, तो भैया काबिल बनाने के लिए ही आपको लड़ना होगा क्योंकि राज आपका है, आपने बलिदान देकर लिया है, आपने जेल जाकर लाठी खाकर ये राज लिया है, इसलिए आज एक बार फिर से आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना ही होगा। यदि आप नहीं लड़ते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा, हम तो गांव में रहते हैं। अरे भाई कभी जहां चांदी डैम बना, जहां इचा डैम बनने वाला है, जहां इतना गमरिया में आदित्यपुर में बड़ा बड़ा कंपनी लगा है, उन लोग भी सोचता होगा एक समय यहां तो गांव है क्या होगा। तो ये इस सोच को मन में कभी पाल के नहीं रखे कि क्या होगा, कब आपका आंख खुलेगी और सरकार आपके घर में आके कागज चिपका देगा कि यहां से यहां तक का जमीन फलना कंपनी को देने का बात की है, आपको अपना गांव छोड़कर भाग जाना होगा। 2000-4000 रुपया डिसमिल जमीन का पैसा मिलेगा एकड़ में, डिसमिल बोलिए, और आपको बोलेगा कि यहां से निकल जाओ। कैंडी इंडिया 2 रुपया डिसमिल खरीदा गया है, अरे 2 रुपया में तो दीदी लोग को शैंपू पसंद नहीं आता है, और 2 रुपया में बाप जाकर जमीन ले लिया है, बताइए कितना अन्याय हमारे साथ, कितना अन्याय, कितना बेईमानी हम लिख संगे, हमारा लिख संगे तो माने बेईमानी है तो सोचता नहीं कि हम लिख नहीं सकते, 2 टका डिसमिल बाप का जमीन ले लेंगे, तो सही खाई राज लड़ाई लड़ी, और ना ही जी लड़े पा रहा तो 20 साल में हमें कही गई हो। रेलवे स्टेशन गए हम लोग, रेलवे से नए है ना, वहां जाके देखिएगा बहुत सारा लोग मांगने वाला रहता है, ऐसे जैसे ही जाएंगे पेट्रोल जाएगा बोले बोला भूख लगा है, तो एक बात बताइए क्या उनका घर द्वार नहीं था, था कि नहीं था? आज जो रेलवे में फुटपाथ में किसी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे भीख मांग के अपना जीवन काटते हैं, क्या उनका घर द्वार था कि नहीं था? खाना घर द्वार होगा, खेत खलिहान होगा, कहीं हवा से नहीं आया, उसको भी कोई माँ पिता ने ही जन्म दिया है, तो भाई कहीं न कहीं किसी न किसी को नाम उनका भी जमीन हुआ होगा, एक और छोटा सा ही सही जरूर हो, लेकिन आज कुछ नहीं है। आज वो लोग देखे खुला आसमान के नीचे बार बार बिना रहता है, कहे इसी प्रकार कोई कानून आया होगा, इसी प्रकार चुपचाप रहा गया होगा, सब जमीन खत्म हो गया, इसलिए आज आपको लड़ना होगा। हमारी पहचान अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी विरासत अलग है, इसे संभाल कर भी रखना होगा। झारखंड राज्य हमने इसीलिए लिया था कि हमारे लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है, हमारे जो पढ़ने वाले नौजवान छात्र हैं उन्हें बीडीओ सीओ दरोगा बनने का मौका नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमने झारखंड राज्य अलग लिया। तो क्या आज मौका मिला? आज मौका मिला? आज भी नहीं मिला है, तो कहेगा राज क्यों लिए झारखंड राज्य? इसी दिन के लिए कि झारखंड राज्य मार्ग कट के हम ले देंगे और फिर यूपी बिहार बंगाल का लोग यहाँ दरोगा बनेंगे, इसी दिन के लिए झारखंड राज्य लेके लिए थे। और जब हम लोग बोलते हैं तो बोलता है इन लोग नफरत बांट रहा है, काहे का नफरत भाई? जिसको दिक्कत हो रहा है आओ, और चलो हमको नीतीश कुमार से बोल के वहाँ हमारा लोगों को 10% रखे लोग, चलो ममता दीदी से बात करते हैं, मैंने ठीक है हमें लिए है, जब हम अपना अधिकार का बात करेंगे तो भाई इन लोग नफरत फैला रहा, मरेंगे हम, कटेंगे हम, जेल जाएंगे हम, सड़ेंगे हम, माँ बहन हमारा मांग का सदन उजरेगा हमारी माँ बहन का, और आप यहाँ वीडियो सीओ बनेगा अब रोचक बनेगा, क्या इसी दिन के लिए झारखंड लिए थे? आप ही बताइए इसी दिन के लिए हमने झारखंड राज्य लिया था? यही एक केरल राज्य है हमारे ही देश में एकदम लास्ट कोना में, वहां से अगर कोई बहन घर से बाहर निकलती है या तो डॉक्टर नहीं बनती है या तो मास्टर नहीं बनती है, और हमारी बहन दिल्ली में मजदूर का काम करती है, नौकरानी का काम करती है, झाड़ू पोछा का काम करती है, यह हम नहीं कह रहे हैं, सरकार की रिपोर्ट कहती है कि हमने सिर्फ के लिए झारखंड लिया है,
जमीन हम देंगे टाटा को, बिरला को, वेदांता को, और बाहर के लोग नौकरी बांटेंगे। जमीन हम देंगे और ये बाहर के लोग नौकरी बांटेंगे। अरे बांटिए ना, 10% बांटिए। हमने कभी गलत बात नहीं कहा है, कभी जो नियम है उसके चलिए। बाप भी वही काम करेगा, बेटा भी करेगा, पेट भरेगा। तो जब हम अपना जमीन लिए हैं तो नौकरी के बाद नौकरी देना होगा। आखिर मेरा बाप रिटायर हुआ तो उसके बदले किसी को लेंगे ना, तो मैं किसी को कह लेंगे, किसी दूसरा को कह लेंगे। हम जमीन लिए हैं बाप के बदले, फिर हम लेंगे। ये नियम बनना चाहिए। नहीं है तो उठ के खड़ा हो जाइए। एक दिन आज खड़ा होइए चाहे कल, एक दिन आपका मुकाबला करना होगा और एक दिन सामना करना होगा। सीधा सा बात है, अनुकंपा के बाप के बदले से बेटा को मिलता था ना, उसी तरह देना होगा। क्योंकि यहाँ जो खेती होता है ये हम हजार साल से कर रहे हैं, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक मेरा इससे पेट भरेगा। लेकिन यदि हम खेती करने वाली जमीन को किसी फैक्ट्री को देते हैं, उसको पहला नियम यही बनाना होगा, जब तक आपका फैक्ट्री रहेगा मेरे परिवार में से मरने के बाद भी चलना चाहिए। और यदि आप नौकरी देने में असमर्थ हैं, तो सीधा सा बात है, दूसरा फॉर्मूला कि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, पैसा टाटा का, पैसा उषा का। अरे जमीन तो हमारा है ना, पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, बराबर में होगी उसके बाद। पसंद है तो आइए और नहीं तो चल जाइए, हम ठेका लेकर नहीं रखते। क्योंकि आज हमारे लोग खेती और जमीन का महत्व नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए आज हम लोग औने पौने दाम में 1.5 रुपया 2 रुपया कहीं तो दुख होता है, 30-35 पैसा में जमीन बेच दिया। 20-40 साल पहले बेचा है, लेकिन फिर 30-35 पैसा में, 30-40 पैसा में कोई मूल्य है? हम लोग का जमीन 30-40-35 पैसा में खरीदा गया है। कैसे दिन के लिए हम लोग भीख मांगेंगे? इसीलिए आज प्रत्येक झारखंडी को हमारी नियत भी है कि हमको लड़ना ही होगा। यदि हम लड़ने से चूकते हैं तो बहुत भारी भूल होगी। यदि हम लड़ने से पीछे हटते हैं तो हमारी इतनी बड़ी हार होगी, इतनी बड़ी हार होगी कि आने वाली जो पीढ़ी हमको नजर उठा के फेंक देगी। बोले कि कहेगा बाप, कहेगा बाप इतना इतना बड़ा बड़ा खेत फेंक दिया है, कहेगा बाप यही बच्चा लोग आपको बोलेगा। यदि आप उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रखते हैं, यही बच्चा लोग आपको गाली देगा और आपको सुनना होगा, क्योंकि दोषी आप हैं। बच्चा को जन्म देने से ही बाप और मां का ड्यूटी खत्म नहीं होता है। जब तक वो काबिल नहीं होगा तब तक आपको उसके साथ खड़ा रहना। इसीलिए पहला काम आप कीजिए कि बच्चा लोग को ठीक से पढ़ाइए। हम लोग देखते हैं दारू बहुत ज्यादा पीता है, नहीं पीता है क्या? नहीं पीता है तो अच्छा बात है। जो पीते हैं ये हर जगह हम सबसे खाली धनबाद बोकारो वाला पीता है, ऊंचाई वाला भी कुछ कुछ के पीता है। आज पूरा साल भर हो गया 1 साल इस आंदोलन का। हम लोग लगभग 400 जनसभा में गए। हर जगह जाने के बाद हम देखे, हम एक दिन वहीं रहते हैं आसपास में और लोगों से पूछते हैं यार क्या दिक्कत है। सबसे पहला कारण यही दरुआ है, यही दारू, सबसे पहला कारण। इससे क्या नुकसान है? पहला बात तो आदमी आपको बोका बना के कभी जमीन ले लिया, कभी कभी तो ऐसा सब देखे हैं कि पीने के बाद घर का लोटी गगरा सूट चैन सब ले लेता है और आके बोलता है हमारा पैसा नहीं है, बेटा को पढ़ा नहीं पाएगा। अभी नया साल चल रहा है, एक डायरी ले लीजिए और हिसाब रखिए और प्रत्येक दिन आप चुपे चुपे लिखिए ना, किसी को मत बताइए कि हम क्या कर रहे हैं। दारू पी रहे अच्छा बात है, पीजिए दम भर के पी लीजिए, खाली हिसाब में देखिए और साल भर बाद आप डायरी में देखिए कि कितना खर्चा पिया। किसी को मत बताइए कि हम दारू कितना का पी रहे हैं, सिगरेट कितना का पी रहे हैं, गुटखा कितना का खा रहे हैं। आप सिर्फ वो डायरी में लिख के रखिए, नुका के छिपा कर रखिए और साल भर बाद आप देखिए हमको लगता है अब इतना पैसा बेकार में खर्चा कर
देते हैं जिससे आपका बेटा एमटेक बीटेक का डिग्री ले ले। इसलिए पहला आप खुद देखिए और बोलिएगा कि हमारा पास पैसा नहीं है। अरे एक बात याद रखिएगा, झारखंड का आदमी मन से गरीब है, फिर उसका मन गरीब है, वरना वो चाहेगा ना तो सारंडा का जंगल में और दलमा का पहाड़ को चीर के उसके भीतर से वो खेत धान उगा के खा सकता है, इतना मेहनती झारखंड का आदमी है। लेकिन वो कमजोर, अपने आप को कमजोर बना लिया है। दादा हेलो असीना ले लेंगे धीमे में लेगा, आज मौसम खराब है, ठीक है बुरा ना है, हम तो बुरा नहीं मानते, हमारे बीच के लिए भले भले लिए बात अलग है और हम पूरा साल भर से खेलिए रहे हैं। मैं हमारा प्रत्येक सभा में 10 को 12 को पेपर लोग पहुंचता है, उन लोग बहुत प्यार से सुनता है, बहुत प्यार से उन लोग भी मेरा बात को सुनता है, उन लोग भी जानता है लड़का जैसे है भलाई का बात को मेरे लिए ही बोलता है। पीने से क्या बीमारी होता है, लीवर खराब का। अच्छा एक बात बताइए, आज के डेट में आप लोग पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, लीवर खराब हो जाएगा तो खर्चा कितना लगेगा ठीक करने में? 10 लाख 12 लाख खर्चा हो जाएगा। हमारे घर में 10 रुपया नहीं है ठीक से और 10 लाख का बीमारी हम निकाल लिया, उसमें गारंटी नहीं है। आप अमिताभ बच्चन नहीं है कि फिर लीवर चेंज कर सकते हैं। इंडिया में एक बार में लीवर चेंज हुआ है, जहां तक हम जानते हैं आप लोग जानते हैं तो अच्छा बात है। अमिताभ बच्चन का सुने है ना, अमिताभ बच्चन का ही लीवर चेंज हुआ है, तो क्या आप लोग अमिताभ बच्चन के परिवार में हैं? जब नहीं है तो कहे नौटंकी करते रहे, मर के खत्म हो जाइएगा, एक तो परिवार पे बोझ बनेगा। इसलिए आपसे निवेदन होगा, इस आंदोलन का मतलब है झारखंड को नया झारखंड बनाना, और नया झारखंड तभी बनेगा जब हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे अपने अधिकार को जानेंगे लड़ के लेंगे और दारू मौत थोड़ा कम पीएंगे। और नहीं अगर इन लोग और यदि इन लोग नहीं छोड़ता है तो हम एक उपाय बता देते हैं दारू छुड़ाने का, लेकिन ये उपाय छुड़ाने के लिए दीदी मने मायरा मासीरा काकीरा को आगे आना होगा। उपाय बता दें अगर सकिएगा तो ठीक है, ताकि हम देखें धनबाद बोकारो में काम किया है, फॉर्मूला तो मेरा दारू छुटाने का बहुत शानदार फॉर्मूला है। जिस दिन आपके पतिदेव पतिदेव समझ रहे हैं, जिस दिन पी के आएंगे उनको प्रेम से घर बुलाइए, एकदम डांट फटकर मत कीजिए। जैसे अभी दीदी लोग हमको पांव धो दी पानी से, उस तरह पतिदेव का पांव धो दीजिए, टीका लगाइए और आराम से बैठाइए और बैठा के एक लाइन बोलिए कि देखिए हम आपके लिए अपना घर परिवार सब छोड़ के आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप दारू पीने छोड़ दीजिए। एक दिन दो दिन समझाइए, अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो और एक उपाय है थोड़ा दम कर दीजिए और दम भर के पीटिए, जितना एनर्जी है खूब पीटिए। अरे आप ही ठीका ले रखे हैं क्या कि पति परमेश्वर होता है, पत्नी भी तो देवी होना चाहिए ना, ठीका फिर लेके रखे हैं। एक स्त्री जितना ठीका लिया है उतना अगर पुरुष लग लेगा तो ऐसे लोग छोड़ के संसार चल जाएगा। अभी इतना बताइए, इतना इतना पुरुष लोग हैं, हम किसी को देख के बोल पाएंगे कि कौन शादीशुदा है? महिला लोग को देख के बोल देंगे तो सब कुछ तो झेला है स्त्री ने, बेचारी भाई के लिए उपवास रखेगी, बेचारी माँ बनेगी तो बेटा के लिए नियम करेगी, पत्नी बनेगी तो पति के लिए, उसके लिए कोई नियम कानून है तो बताइए। इसीलिए दम भर के पिटिया और वीडियो बना लीजिए, बहुत ही लाभदायक फॉर्मूला बता रहे हैं, वीडियो बना लीजिए और जैसे उनकी आंख सुबह खुलती है आपके पति देव की, आराम से वीडियो दिखाइए और बोलिए अगर आज के बाद नौटंकी किए तो ये वीडियो आपकी सासू माँ को भेज देंगे, और उससे भी अगर नहीं माने तो बोलेगा आपकी प्यारी प्यारी साली। ये फॉर्मूला बहुत सुपर हिट है, अगर आप लोग कर पाए तो हमको पूरा गारंटी है 20-25% शराब छूट जाएगा। धनबाद बोकारो में जो ट्राई किया है उसका पति लोग छोड़ दिया, तो साली लोग को भी करना होगा
ये जो मोबाइल है तो मैसेज करना होगा, ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, कितना बोलेगा, ए जीजा जी आज किधर दीदी मार के हालत खराब की है, पेड़ लगाने आएंगे, बोलिए आज पीठ का चाम फटा है कि चुतर का चाम फटा है। एक महीना अगर कंटिन्यू आप ऐसा मैसेज किए तो बोलेगा यार जिंदगी बहुत लंबा है, इतना ताना मारेगी छोड़ देते हैं। ये बहुत बहुत शानदार फॉर्मूला है, आप करके देखिए। देखिए चाहे जब भी आप उपाय कीजिए शराब को बंद करना होगा, ताकि आज अगर झारखंड का नुकसान हुआ है तो शराब पहले नंबर पर है। इसीलिए आप सभी से हमारा विनती होगा, हमारा अनुरोध होगा कि आज आप लोगों को थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीवन शैली में सुधार करना होगा। और देखिए किसी किस प्रकार हमारा कल्चर को डिस्टर्ब किया जाता है। पहले हम लोग क्या करते थे, पुसालू मनाते थे, पुसालू मनाते थे ना, पुसालू का मतलब क्या था कि जिस खेत से हमारा पेट भरता है, खेत से ही भरता है ना भाई, जिस खेत से हमारा पेट भरता है हम लोग पूरा परिवार उस खेत में जाके एक दिन पुसालू मनाते थे, और जो कुछ घोड़ी है उसको हम लोग चढ़ाते थे कि तुम्हारे कारण हमारा पेट भरता है। अभी हम लोग पुसालू की जगह पिकनिक में आ गए हैं, तो पिकनिक में आए पुसालू का मतलब था परिवार। जब हम लोग पुसालू मनाते थे तो पूरा परिवार साथ में मनाते थे, साथ बैठ के खाते थे। अब जब से पिकनिक हुआ है दीदी लोग का अलग टीम है, भैया लोग का अलग टीम है, और चेहरा लोग का अलग टीम, परिवार भी टूट गया, टूटने करेगा। कभी पुसालू में चलता था खिचड़ी पूरी सब्जी, यहाँ दरुआ चाहिए, टूटने करेगा। इसी प्रकार कल्चर इसी प्रकार टूटता है, पुसालू को इन्होंने पिकनिक बना दिया, इसी प्रकार कल्चर टूटा, पैसा का भी खर्चा, संस्कृति भी बर्बाद हुई, समाज भी बर्बाद हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए आज झारखंड का मतलब है आज अपनी संस्कृति को आप फिर से स्थापित करें। इसलिए आज हम लोग झारखंड का कोना कोना जाके लोगों को इसी बात को समझा रहे हैं कि लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, ये लड़ाई आपकी भाषा संस्कृति, आपके रोजी रोजगार, आपकी माटी के लिए है। आज आपको लड़के अपने बच्चों को अधिकार देना है। साथ ही साथ हम यही कहना चाहेंगे, हमें हटाए कहना चाहे हो कि निजेक जो भाषा है, निजेक जो परंपरा है, एकदम हटाए के रखना। झारखंड की माटी बड़े सुंदर सुंदर भाषा परंपरा संस्कृति इगला के बचाए के रखना, ताकि हकीकत झारखंड के लोग जानिया हमने कभी देखा देखी नहीं करी है, हमने कोई काम देखा देखी नहीं करी है, कुछ भी अगर हमने करिए तो ओकर माने रहे, ओकर मतलब रहे, हमने बिना मतलब के नाचिए ना, बिना मतलब के गीत नहीं गाइए ना, बिना मतलब के भोजन करिए, हमने सब चीज के मतलब रहे, हमने फुटानी नहीं करिए। जैसे अभी देख ले, अभी एगो डांस डांस का मुझा दी है, बहन पर नाचला तो थोड़ा थोड़ा गरम डांस नाचा तो बोलते नाचता मैंने धैर्य के, लेकिन और लड़का सब जब है वो अपनी कहीं छोड़ नाच रहो, कहीं झूमर नाच रहो, कहीं नटवा, लेकिन अपनी अपनी फैलो एगो नया डांस आएगा, लोग आगे डांस उलट उलट नाच रहे। हमने डांस जो नाचे के लिए तरीका है ना, हमारे जो नाचने का तरीका इससे भी फायदा मिलता है। अब आप कहेंगे क्या फायदा है डांस से, कि भाई नाचने से क्या फायदा है, अच्छा आपको बताते हैं। अमेरिका नाम का वो देश है, आप लोग सुने होंगे, सुनिए बाबू अमेरिका। जैसे अगर कोई बहन माँ बनने वाली है, कोई बच्चा होने वाला है, तो हॉस्पिटल जाएगी, क्योंकि आज के डेट में माँ का शरीर इतना ताकतवर नहीं है कि घर में बच्चा पैदा होगा, उसको हॉस्पिटल जाना ही होगा। तो ठीक उसी प्रकार अमेरिका में भी जब बहन माँ बनने वाली होती है तो हॉस्पिटल जाती है, उससे पहले 5 लाख 10 लाख पैसा लेते हैं डॉक्टर, और क्या बोलते हैं बता है कि बगल का कमरा में चले जाइए, वहां आप डांस कीजिए। मां बनने वाली है और उसको डांस करने बोला जा रहा है, वो खिसियाएगी नहीं, गाली नहीं देगी डॉक्टर को, एक तो हम इतना लाखों रुपया दिए हैं, हम मां बनने वाले हैं और तू हमको नाचने बोल रहा है, तो भाई क्यों, और कौन नाच, यही गरम नाच, यही स्टेप लेगी, कहे से क्या फायदा होगा। अब जैसे जैसे वो नाचेगी उसका पेट में जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा। तो सोचिए हमारा जो डांस भी है कितना सुंदर है, कितना सांस्कृतिक है और कितना मायने है। लेकिन अभी क्या है,
अभी हम लोग का ये तो एक साल हुआ आंदोलन का, इसीलिए थोड़ा अच्छा अच्छा गाना बजता है। मैं तो क्या बजता था, अखिया कनवा कपार ले दे के वो स्त्री का अपमान होता था ना। बहन का शादी है और भाई फुल वॉल्यूम लगा के अपना बहन का कमर का प्रचार कर रहा है, कमर ऐसा दिख रहा है, कितना गंदा गंदा गाना बजता था। जबकि हमारा गाना भी कितना सुंदर है, आठ बांधो पाट बांधो ननुक दियो हाथ बांधो, घरानी सुना था कि नहीं, इसके सुना था ना कितना सुंदर गाना, कि आठ बांधो पाट बांधो ननुक दियो हाथ बांधो, चूल पाके सोन नियर ननु बाड़े बांस नियर बूढ़ा बाबा के नमन। कते सुंदर हमने गाना, और मतलब भी आए नकी दादी, मतलब भी है कि आठ बांधो पाट बांधो ननुक दियो हाथ बांधो, माने कि बाबू तुम्हारा दोनों हाथ बांध रहे हैं, तुम्हारा दोनों पांव बांध रहे हैं, तुम किसी को हाथ नहीं मारेगा, तुम किसी को लात से नहीं मारेगा। और उसको आशीष दे दिए कि चूल पाके सोन नियर, देखो सोन है दादी का थोड़ा थोड़ा सोन जैसा पका है, सोन माने 100 बच्छर पुराई के मरी हो, तो इतना सुंदर हम लोग का कल्चर है। और अभी हम लोग क्या बोलते हैं, सुनबे कर रहे हैं, इसीलिए आज झारखंड आंदोलन का मतलब है हर तरह से अपनी संस्कृति को जीवित करना। इसलिए आज जितने नौजवान हैं, आज जो 1932 का खतियान का लड़ाई हो रहा है, यह आपके अधिकार को सुरक्षित करेगा और साथ ही साथ आपको अपनी पहचान के लिए लड़ना है, इस राज को फिफ्थ में पूरी तरह कैसे लागू हो इसके लिए लड़ना है, क्योंकि जब तक आपका राज्य नहीं बचेगा आप नहीं बचेंगे, उसके लिए आपको लड़ना होगा। और नहीं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग कोल्हान में डिस्टर्ब किया था कि नहीं, यहाँ तो 1964 है, एक बात सीधी सी बात है, 1964 में डायरेक्ट खतियान नहीं बना होगा, कभी ना कभी 1913 में 27 में 11 में बना होगा, किसी के बाद ही एसएलसी दिया जाता है, चलिए 64 ही मान लेते हैं, खतियान तो है उसको ऑप्शन में तो रखा गया है, मेन केंद्र केंद्र 1932 रहेगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं क्योंकि जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं जो स्कूल कॉलेज जाते हैं उनको इस बात को समझना होगा कि 1932 का खतियान जो हमारी मांग हो रही है वो सही है कि नहीं है, ताकि बाहर का जो लोग है, बाहरी जो लोग है वो बोलता है अरे ये तो अंग्रेजों के टाइम का है, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। तो भाई उसको आराम से समझाइएगा कि 1990 में 66वां संशोधन होता है भारत के संविधान का, और सीएनटी कानून जो 1908 में बना था उसको शामिल किया गया था, हम तो 1932 का बात कर रहे हैं। उतना छोड़िए, यदि कभी बगल में थाना है ना कुचाई थाना, थाना प्रभारी से मिलिए और उसे इतना ही पूछिए कि सर ये जो मारपीट होता है तब अभी कुछ कानून 107 मारपीट होने का कौन सा कानून है 107 कपार फाड़ दिए खून बहने लगा तो 307 और चल गया ऊपर तो 302 इतने पूछिए बड़ा बाबू से जाके थाना प्रभारी से ये कानून सब कब का है, ये कानून कब का है, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 का कानून है भाई, 1860 का कानून चलेगा तो 1932 का नहीं चलेगा। काहे नहीं चलेगा, तो हम लोग को केवल और केवल बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा हम छोड़ दीजिए, अपने बंधु हैं वो थोड़ा सा फॉर्म में है, बुरा नहीं मानिएगा, बेटा बेटा खैर भाई जैसा भी है व्यक्तर में बड़ा ताकत होता है, लेकिन अकेले पूरा सभा का ध्यान खींच लिया मानना होगा, ना ना ठीक है हम बुरा नहीं मानते, हमको पूरा साल भर से उन लोग से बड़ा फ्रेंडशिप हो गया है। तो इसलिए ये बात एक एक नौजवान को समझना होगा कि हमारी लड़ाई पूरी पॉइंट है कि नहीं है, पढ़े लिखे जो छात्र है, जो बहन लोग है, जो कॉलेज में पढ़ती है, नौमा दसवां पढ़ती है, ग्रेजुएशन पढ़ती है, सबको समझना होगा कि आखिर जरूरी क्यों है और ये सही है कि नहीं। चलिए बड़ा बाबू का हम छोड़ देते हैं, जो आपके गांव में वकील लोग हैं वो दुकान उनसे पूछिएगा कि आप काला काला कोट क्यों पहनते हैं, वकील लोग करिया करिया कोट पहनता है ना, क्यों पहनता है क्या जानकारी है आपको, चलिए बता देते हैं कि वकील लोग करिया करिया कोट क्यों पहनता है ना, जहां से अंग्रेज लोग आया था वहां 12 में 9 महीना ठंडा देता है, 12 में 9 महीना
ठंडा देता है, इसीलिए यहाँ जूता यार यहाँ मोटा पॉइंट और यहाँ जैकेट करिया। तो करिया क्यों? ना सूर्य का रोशनी जब करिया कपड़ा में पड़ता है तो गर्मी लगता है, साइंटिफिक कि अगर सूर्य का किरण काला कपड़ा में आता है तो उससे जो शरीर है उसमें गर्मी आता है। तो अंग्रेज चूंकि जहां था वहां ठंडा था, तो ठंडा से बचने के लिए करिया कपड़ा पहनना था। अब क्या देखा, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, देखिएगा यहाँ से हवा लग रहा था, तो उन्होंने को टाई भुका दिया। आप जाके बोलिए इनको कि आप अंग्रेज के को टाई निकाल के बाहर नहीं कर पाए। 1932 का विरोध करने से चलेगा? अंग्रेज के को टाई नहीं खोल पाया इंडिया का आदमी। ये पॉइंट कुर्ता जूता तो छोड़िए, ये टाई भी अंग्रेज का दिया हुआ है। आप अंग्रेज के को टाई नहीं खोल पाए और बोलते हैं कि नहीं चलेगा 1932। मैंने साफ शब्दों में आप करें तो राहत मिला, हम करें तो क्रैक्टर मिला। आपको जब बात कहिएगा तो कानून चलेगा, 1860 चलेगा, 1861 चलेगा, सब कानून चलेगा। हम कहेंगे तो पेट में दर्द है। यदि आपको अंग्रेज का कानून से इतना ही दिक्कत है तो चलिए अंग्रेजों के कानून के किताब को फाड़ देते हैं। हमारा जो 1932 का हथियार है, चलिए उसको हम पूछते हैं, एक मिनट के लिए उसको फाड़ दिए। आप भी कीजिए, रेलवे को फाड़ कर फेंक दीजिए, रेलवे अंग्रेज का है, रेलवे अंग्रेज का है, हटा के फेंक दीजिए। तो केवल और केवल क्योंकि जानते हैं झारखंड के लोग भोले भाले हैं, झारखंड के लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, इसी का इन्होंने फायदा उठाया है, हमेशा फायदा उठाया है। 2004 में आया था प्राइमरी टीचर का वैकेंसी, पूरा इंडिया में इंटर प्लस डीएलएड मांगा गया था, आज भी मांगा जाता है। पांचवा तक का मास्टर बनने के लिए क्या चाहिए? इंटर चाहिए ना, लेकिन केवल झारखंड में बीए प्लस बीएड मांगा गया था। कहे झारखंड नया नया बना था, बीएड का डिग्री नहीं था, था कहा यूपी बिहार, 80% नौकरी यूपी बिहार का। इन लोग जानबूझ के बेवकूफ बनाता है। अभी देखिए नियोजन नीति रद्द कर दिया है, कहे कि जनता है अब झारखंड 22 साल का हो गया, थोड़ा पढ़ने लगा। फॉर्म भरा था कि नहीं आप लोग यहां से? कोई 13 का परीक्षा रद्द हुआ, 13 का परीक्षा रद्द हो गया, फॉर्म भरे थे ना आप लोग? भाई रद्द कर दिया, क्यों? जनता है ना झारखंड के लोग पढ़ने लगे हैं, अब लोग नौकरी ले लेगा। अब बताइए नियोजन नीति की बार बार रद्द होना चाहिए? अगर बार बार रद्द होता है तो हम बिल्कुल कहेंगे आप आईएएस नहीं, एकदम महाबोका आदमी है। हाँ साफ कहेंगे कि आप डीसी जो है ना, आप लोग एकदम बोका आदमी है। जब एक नीति नहीं बना सकते हैं तो झारखंड घास छिल जाए हैं क्या? तो घास छीनना है तो आइए मेरा बगीचा में, वहां डीसी के ऑफिस में क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं क्या? फाइल करो पलट के डीसी के ऑफिस में बैठकर क्या कर रहे हैं? देखो नीति नहीं बना पाए 22 साल में, नीति कौन बनाता है? आईएएस बनाता है ना, सरकार का काम नहीं है। कहीं सब तो 10वां पास नहीं है, खुल के ही नाम गिना देते हैं। आपका इधर गई, इधर 3 मंत्री है और 3 का क्वालिफिकेशन 10 है, कैसे इन लोग नीति बनाएगा बताइए? तो 3 कोल्हान में 3 मंत्री है, 3 पास है, तो उन लोग आईएएस को बता पाएगा? आईएएस उल्टा इन लोग को चला रहा है। एक नीति नहीं बन पाया है तब तो सवाल करेंगे आपकी पढ़ाई लिखाई पर, हम सवाल करेंगे कि आप चोरी करके बने हैं कि पैर भी लगा के बने हैं कि घूस दे के बने हैं? यदि आप ईमानदारी से बने हैं एक नीति आज तक क्यों नहीं बना है? आप कैसे आईएएस है, आप कैसे सचिव हैं, आप कैसे सलाहकार हैं कि राज्य में वो नीति नहीं बन पाया? क्या कर रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं क्या? राज्य के भविष्य को अंधेरे में धकेल रहे हैं क्या? कर क्या रहे हैं? इसीलिए आज आपको एक शिक्षित युवा की तरह, चाहे सामने वीडियो रहे या कलेक्टर रहे, आंख मिला के सवाल करना होगा। और ये भारत का संविधान, हम कहां कहते हैं भारत का संविधान कहता है ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता को जनता के लिए जनता के द्वारा। इसका मतलब क्या? आप कलेक्टर रहे चाहे वीडियो रहे चाहे मंत्री रहे, आप जनता के नौकर हैं, आप जनता के नौकर हैं। नौजवान उठिए, सवाल कीजिए कि आप घास छिल रहे क्या? एक नीति क्यों नहीं बना है?
अरे मंत्री लोग तो अंगूठा छाप है, आप आईएएस हैं, आप क्या कर रहे हैं? अब देखो नीति नहीं बनता है, हर साल नीति को रद्द किया जाता है, सबका उम्र पार हो रहा है। उम्र पार होने के बाद पक्का है 10% लड़का बढ़िया परिवार से है, उन लोग किसी तरह परिवार में मैनेज कर लेगा, बाकी लोग क्या करेगा? सुसाइड करवे करेगा, मरवे करेगा। अरे भैया तो हम यही तो कहने आए हैं कि ऐसे तो मर रहे हो, नौकरी नहीं मिलने से आत्महत्या कर रहे हो। अरे कभी तो